अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज दी वीडियो बड़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है, बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिंदगी नू चेंज करन वास्ते है, जिंदगी नू आसान करन वास्ते है, अपने आप नू समझन वास्ते है। भाई रणजीत सिंह डाडरियां वाले, इन्हां दी काफ़ी दिनों तो मैं इन्हां दी स्पीच सुनदा हुंदा, मैनू बड़े अच्छे लगदे है। काफ़ी गल्लां तो इन्हां दे मैं इख्तलाफ भी करना वा, ते अज दी जिहड़ी स्पीच है वह मोटिवेशनल है, जिंदगी नू चेंज करन वास्ते है। पहले वीडियो देखने तो उस तो बाद आप रैक्ट करने, वट्सअप आंदे, इंस्टाग्राम आंदे, फेसबुक आंदे। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, वट्सअप तो मैं मजीद इदा दीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। जो बंदा अपने आप नाल खुश रहना सीख लैंदा, कोई कहिंदा फलाना होएगा तो मैं खुश रहांगा, फलाना मेरी जिंदगी होएगा मैं खुश रहांगा, ये डिपेंड है। खुशी साड़ी किसे ते डिपेंड है, असी अपना रिमोट किसे दूसरे नू फड़ाता, जदों अगले दा जी करेगा छड़ के चले जाएगा सानू दुखी कर देगा, जदों जी करेगा नाराज हो जाएगा सानू दुखी कर देगा, साड़ा सुख दुख किसे दूसरे ते हो गया। पर जेड़ा बंदा अपने आप नाल रहना सीख लैंदा, अपने आप नाल हसना सीख लैंदा, अपने आप नाल खुश रहना सीख लैंदा, अपने आप का दोस्त बनना सीख लैंदा, अपने आप का मित्र बनना सीख लैंदा, वो बंदा जिंदगी विच कदे भी दुखी हो नहीं सकता। जिन्हों ये जाच आ गई भी अपने आप विच खुश किदां रहना, डिपेंड ही नहीं किसे ते, चाहे वह अपने माँ प्यो चाहे साढ़े बच्चे ही क्यों ना होन, जिन्ना क्लोज साडा रिलेशन क्यों ना होवे, अपने आप विच जदों असी रहना सीख लिया फिर असी डिपेंड नहीं होंदे। हुण इहदे वास्ते टाइम लगता है, मैं हुण वेखदा सी, ध्यान नाल समझियो, इत्थे ना बच्चा जोड़ी बजा रहा सी इत्थे स्टेज ते, की नाम दा देव कीरत सिंह, ते मैनू याद है जदों मैं इत्थे सवा क दो साल पहला आया विसाखी ते, दो साल होए होणगे जां नवे साल ते आया होना 19 च, उदों ओह बच्चा तबला जोड़ी सीखण लग्गिया सी, इत्थे कीर्तन करदे सी ते बिल्कुल ही ना अजे बच्चियां नू बैठना आ रहा सी ना बजाना कुछ भी, पर अज मैं वेख रहा सी वह बच्चा प्रोपर जोड़ी बजा रहा सी, जिद्दां एक पूरा सिख्या होया बंदा बजाउंदा, ते एज भी मेरे ख्याल उहदी 10-11 साल दा होणा, 11 साल दा बच्चा ते सिख गया। क्यों सिख गया भला? क्योंकि वह सीखना चाहता सी, उहदा शौक सी, उन्हें फैसला कर लिया भी मैं सीखना है। बड़े न्याणियां नू बच्चियां नू तुसीं कहो भी मैं तैनू कीर्तन सिखाउणा है, बच्चे थोड़ा चिर सीखणगे फिर हट जाणगे। तुसीं किसे न्याणे नू कहो मैं तैनू कोई आप सिखाणा चाहना पाठ सिखाणा, नहीं सीखदे, शौक नहीं हुंदा। बच्चियां नू जबरदस्ती इन्हां देशां च ते बिल्कुल भी नहीं आपां कर सकदे, इत्थे नहीं सारी दुनिया च, तुसी ओही चीज़ सीख सकते हो जिहड़ी चीज़ सीखना चाहते हो, कोई तुहानू सिखा नहीं सकता, सिखिया जाता है, हमेशा ही सिखिया जाता है। तो हुण सोचो जरा कि वह बच्चा जिहड़ा है जोड़ी बजाउण लग्या, तबला बजाउण लग्या, वह सीखता सीखता अज इत्थे बैठ गया तो सारिआं दे सामने वह बजा रहा है, तो अज लाइव टैलीकास्ट हो रहा है, तो अज इंडिया विच भी, इंग्लैंड विच भी, अमरीका च भी, कनेडा च भी, सारी दुनिया च फैमलियां कुछ घरां च बैठ के वह बच्चे नू स्टेज ते बैठे नू वेख रहे हैं। तो जे हौसला किया 10-11 साल का बच्चा स्टेज पर भी बैठ गया तो डर भी नहीं, कंबदा भी नहीं, इत्थे किसी नू स्टेज पर बिठाओ जरा कंबण लग जाता, मैं पब्लिक के सामने नहीं होना चाहता, मैं सामने नहीं आ सकता, मैं फेस नहीं कर सकता, पर जदों सीखना चाहता है बंदा फिर सीख सकता है। जिहड़ी चीज़ तुसी चाहते हैं ना सीखनी वो सीख सकते हैं।
बच्चा बार बार डिगदा है। इत्थे तुसी छोटे न्याणियां नूं वेखो तुरना है, वह डिगदा है पर बच्चा तुर पैंदा क्योंकि वह तुरना चाहुंदा है। बच्चा खड़ा हो जाता है क्योंकि खड़ा होना चाहुंदा है। बच्चा हौली हौली बैठना सीख जाता है क्योंकि वह बैठना चाहुंदा है। तो जिहड़ी चीज़ वह निक्का जिहा न्याणा साल दा करनी चाहुंदा है तो कर लैंदा है, तुरन लग जाता है। आपां सारिआं ने ही इदां कीता, वह बच्चे की गल नहीं कल्ले दी, आपां सारे रिड़ना चाहते सी ते रिड़े सी, बैठना चाहते सी ते बैठे सी, तुरना चाहते सी ते तुरे सी, जिहड़े काम सीखना चाहते सी सीख गए। तो तुसी ना अपने दोस्त बनना भी सीखो, जे सीखोगे तो सीख जाओगे भी मैं अपना मित्र आप बनना यार, मैं कंप्लीट हाँ अपने आप विच। वेखो मैं अधूरा, फलाना मेरे नाल जुड़ेगा फिर मैं पूरा, फलाने नाल मैं जुड़ांगा तां पूरे होवांगे, ए नहीं। मैं अपने आप विच कंप्लीट हाँ। सुनो, घरवाली अपने आप विच कंप्लीट है, इधरले पासे घरवाला अपने आप विच कंप्लीट है। ये दो जने जदों रहणगे ते ये 11 बन जाणगे, पर एक अधूरा ना होवे, पूरा होवे अपने आप विच, कंप्लीट होना। ते भरावो भैणो, जेड़ा कंप्लीट होना है ना यही पूरा होना, नहीं तो घाट रहेगी। कदे किसी ने छड़ जाना, कदे किसी ने छड़ जाना। न्याणियां दा अजकल इत्थे इन्हां देशां च वेख नहीं है, पालदे आ कोई वही बच्चा हुंदा जेड़ा तुहाडे नाल बैठा रहिंदा, नहीं तो बच्चे अपनी जिंदगी जीना चाहुंदे आ, जाना चाहुंदे आ, वक्खरे रहना चाहुंदे आ, अपने घर बनाउणा चाहुंदे आ, अपने पैरां ते खड़े होना चाहुंदे आ, छड़ जांदे आ। ते सानू अपने आप विच कंप्लीट होना आ गया, ध्यान रखना यही है पूरा होना। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। मैं पूरे दियां गल्लां करदा 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 खुद पूरा हो गया, कंप्लीट होना। पूरे होण दा मतलब यह है, इत्थे बंदा मर जांदा कहणगे बंदा पूरा हो गया, फलाना बंदा साडे पंजाबी च की कहिंदे आ डैथ हो जाए उन्हूं कहणगे पूरा हो गया। पर मैं अपने आप विच पूरा हाँ, मैं डिपेंड नहीं हाँ, नहीं तो रोई जावांगे, सहारे भालदे रहांगे, सहारे निकल जाएंगे, बार बार डिगी जाएंगे, बार बार डिगी जाएंगे, सहारा फिर निकल जू, फिर डिग जाएंगे, फिर सहारा भालांगे, फिर डिग जाएंगे। जिदन असी अपने पैरों पर खड़े हो गए औखा तो हुंदा है, सहारे रहना थोड़ा जिहा सौखा है, पैरां ते खड़ना थोड़ा जिहा औखा है। पर जे अपना सहारा ही लगे ना, असी अपने आप च कंप्लीट हाँ, असी अपने आप विच पूरे हाँ, असी अपने आप च खुश हाँ, मैं अपने आप का मित्र आप हाँ, मैं अपने आप का दोस्त आप हाँ, फिर मैनू हसण लई कोई वजह नहीं चाहीदी, अपने हसण की वजह भी मैं आप हाँ, अपने खुश रहण की वजह भी मैं आप ही हाँ। तो जे अज असी रोंदे हैं इहदा मतलब रोण की वजह भी असी आप ही, सही नहीं गल। तो असी जे करना चाहवांगे तो कर लेना, कुछ इम्पोसीबल इत्थे है नहीं। जिहड़े बंदे हसदे हुंदे आ, जिहड़े बंदे वैसे इदां हुंदा नहीं, पर जे इम्पोसीबल नूं पदछेद कर दईए, इहनूं तोड़ दिओ, इम्पोसीबल नूं जे तुसीं तोड़ दिओगे तो आई एम पॉसीबल, इम्पोसीबल आई एम पॉसीबल, तोड़ के वेखो जरा, कुछ भी इत्थे इम्पोसीबल नहीं, सब कुछ पॉसीबल है जे असी करना चाहिए, असी खुश रहना चाहिए। ता करके चंगी गल है जी, जोड़ मेला होवे, साल बाद असी कट्ठे होइए, ये चंगी गल है, पर अपने आप विच नहीं भी होवांगे तां भी मैं खुशी हाँ। बच्चा आ जाए बस फिर साड़ी फैमिली पूरी, मैं मेरी घरवाली मेरा बच्चा असी कंप्लीट हो गए, नहीं हो जावे चंगा ही है, पर मैं अपने आप विच भी कंप्लीट हाँ, मैं अपने आप विच भी खुश हाँ। घर बन जाए फिर बस फिर असी खुश हाँ। इहदे नाल एक गल होर है, इच्छावां किते खत्म हुंदियां, पहला कहिंदे आ चलो जी कोई अपार्टमेंट ही मिल जाए, मिल गई हुण जी, कोई वड्डा घर किराए ते मिल जाए, मिल गया हुण जी, थोड़ा जिहा अपना खरीद लीए, हो गया, थोड़ा जिहा वड्डा खरीद लीए, हो गया, ये तो चली जाता है।
पर असी खुश हाँ, असी अपने आप विच खुश हाँ, असी किसी ते डिपेंड नहीं। ये है पूरे होना, ये है खुद मुख्तियार होना, ये है अपने रब आप बनना, अपने लेख आप लिखने, कर कर करना लिख ले जाहो आपे बीज। बोलो चेता रवे, कर कर करना लिख ले जाहो अपने लखारी आप आसी, कर कर करना लिख ले जाहो आपे बीज आपे खा। बीजांगे उदा दा वड लांगे, अपने लखारी आप आ। ते चेता रखन वाली गल है तुहाडी जिंदगी विच जे अज खुशियां ने ते ए खुशियां तुसी आप लिखियां ने, तुसी लिखियां ने। ते जे तुसी दुखी हो ते ए दुख तुसी अपनी जिंदगी विच आप लिखे। सो व्यूअर्स, ए सी अज दी वीडियो भाई रणजीत सिंह खालसा डाडरियां वाले मोटिवेशनल वीडियो सी। इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी, मैनू तो बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इंज लगन दे जिदा मेरे दिल दियां गल्लां ही करन दे सी, अपने आप नू जुड़न दे सी। कई दफ़ा बंदा ना बड़ा एक लाचार एक दुखी जिहा होकर बह जांदा वा कि नहीं यार हुण मेरा इत्थे इस दुनिया दे विच कोई नहीं है। लेकिन इन्हां दी तकरीर सुन के बंदा इंज हुंदा कि नहीं यार मैं आप ही सारा कुछ हैगा वा। तो ये चीज़ है इन्हां दे समझाउण दा तरीका, समझाउण दा स्टाइल वो मतलब कि बड़ा ज़्यादा वधिया सी। इस वास्ते सियाने जिहड़े कहिंदे ना वाकई सही कहिंदे है कि चंगियां कोल बवो चंगी मत है, मंदियां कोल बवो मंदी मत है। आपां इन्हां दे नाल जुड़े रहांगे, इस तरह ज्ञानी साहब दे नाल जुड़े रहांगे, भाई सरबजीत सिंह जी दे नाल जुड़े रहांगे, संत ज्ञानी मस्कीन जी दे नाल जुड़े रहांगे, भाई रणजीत सिंह खालसा जी दे नाल आपां जुड़े रहांगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਇਹ ਸਿਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।